अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द ड्रीम होम प्रॉपर्टीज़। में हूँ एहसान शरानी। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ बनीघाला में मेन मरी रोड से चंद मिनट के फासले पे, बहुत ही करीब है यहाँ से मेन मरी रोड। वहाँ से तकरीबन अपारा इस्लामाबाद ब्लू एरिया आपका तकरीबन मैक्सिमम 10 मिनट का फासला है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जिस एरिया में बनीघाला के मैं खड़ा हूँ, चीमा लाइन इसका नाम है। डेड एंड गली है, गली बिल्कुल आबाद है। यहाँ पे चारों तरफ जो घर बने हुए हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कैसी फैमिलीज़ रह रही है। बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत यहाँ लोकेशन पे बहुत ही प्यारे यहाँ पे घर बने हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ से मेन रोड दिखाऊं तो ये कॉर्नर पे मस्जिद बनी हुई है और इसी मस्जिद के साथ ही जो है ना ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ से मेन रोड अगर आप राइट पे जाते हो तो इंसाफ चौक, अगर आप लेफ्ट पे जाते हो तो मेन बनीघाला जो मरी रोड है हमारा, वही मरी रोड यहाँ से आता है। नाजरीन, आपके लिए जो यहाँ पे प्रोजेक्ट लाए हैं 7 मरले का डबल स्टोरी, बहुत ही खूबसूरत एक प्रोजेक्ट लाए हैं। फ्रंट एलिवेशन आपको दिखाएं तो ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है जो कि बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत वेल डिज़ाइन जो है ना ये घर है। और अंदर भी आपको दिखाते हैं। अंदर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारी तमाम तरह आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंदर ले चलते हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत इसकी फ्रंट एलिवेशन के साथ ही कार रैंप, और कार रैंप में अंदर जाते ही ये हमारा खूबसूरत सा जो है ना बड़ा सा जिसमें बड़ी गाड़ी आराम सुकून से आ जाती है, इसका ये कार पोर्च आता है। कार पोर्च के साथ ही यहाँ पर पानी का बोर, और यहाँ पे आप जो है ना लॉन्ड्री के लिए भी ये जगह यूज़ कर सकते हो। लाइटिंग वगैरह तमाम तर काम घर में बहुत ही खूबसूरती से हुआ हुआ है। ईंट का बना हुआ ये सॉलिड घर है जो चीमा लाइन में है। यहाँ से आप एक पोर्शन रेंट आउट भी कर सकते हो जिसकी सीढ़ियाँ जो है ना ये ऊपर जाती है। आप सेपरेट एक पोर्शन में आप ख़ुद भी रह सकते हो। कार पर इसके जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम भी बड़ा और ख़ूबसूरत सा ड्राइंग रूम है विद अटैच वाशरूम। ड्राइंग रूम में जो है ना पार्टीशन की गई है, आप चाहें तो इसको ओपन भी कर सकते हैं, आप बंद भी रख सकते हैं। ड्राइंग रूम के साथ ही जो है ना ये हमारा वॉशरूम है। ड्राइंग रूम की जो पार्टीशन हुई है, अगर आप चाहें तो इसको आप बंद भी कर सकते हैं, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, खुला रखना चाहें तो आप इसको जो है ना खुला भी रख सकते हैं। उसके साथ ही ये हमारा खूबसूरत सा जो है ना टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च में भी जो है ना सीलिंग वगैरह का काम, इसी तरह जो भी ओपन किचन है, ओपन किचन जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, चूल्हे वगैरह इसमें लगाए गए हैं। तमाम तर काम घर में जो हुआ है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ और साफ़ सुथरा काम हुआ हुआ है, अच्छा काम हुआ हुआ है। अच्छे घर आजकल बहुत कम मिलते हैं। इसके साथ ही अगर आप टाइल्स वगैरह देखें तो इसके टाइल भी बहुत खूबसूरत टाइल जो है ना इन्होंने लगाए हुए हैं। और इसके साथ ही मास्टर साइज़ का ये हमारा नीचे जो बेड है, हर पोर्शन में दो पोर्शन का बना हुआ है। नीचे वाले पोर्शन में आपको दो बेड और एक ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च और किचन मिलेगा। इसी तरह जो है ना आपको ऊपर वाले में भी सेम यही मिलेगा। इसमें रेगुलर इन्होंने जो है ना टॉयलेट लगाया हुआ है। और इसी तरह जो है ना ये हमारे जो है ना मिरर्स वगैरह और रैक्स, अगर आप देखें तो रैक्स भी अच्छे क्वालिटी के जो है ना यहाँ पे लगाए गए हैं। अलमारियाँ अच्छी खूबसूरत सी है। और अभी आपको मैं ले चलता हूँ हमारे सेकंड फ्लोर पे, दूसरे पोर्शन पे वो दिखाता हूँ आपको। ये अगर आप रेंट आउट करना चाहें तो आप सेपरेट, मतलब एक पोर्शन आप रेंट आउट करें और एक पोर्शन आप जो है ना इसमें खुद रहें। बहुत ही अच्छी लोकेशन पर, प्राइम लोकेशन पर, मेन जो मरी रोड से तकरीबन ये 2 किलोमीटर की ड्राइव पे, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, बहुत कम है। और मेन बनीघाला जो जो इस्लामाबाद है ब्लू एरिया बारह, वहाँ से मैक्सिमम 10 मिनट के फासले पे हैं। अच्छी फैमिलियाँ यहाँ पे रह रही है, घर बने हुए हैं अपर बनीघाला के ऊपर, यहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, मस्जिद करीब है। और ये हमारा सेकेंड फ्लोर, इसमें भी सेम डिज़ाइन तो वही है, नक्शा वही है, बाकी सारा काम इसमें सिर्फ ये जो है ना लाइट्स वगैरह थोड़े अलग लगाए गए हैं, सीलिंग का डिज़ाइन थोड़ा अलग है इसमें, बाकी कमरों का साइज़ वही है। वॉशरूम इसी तरह यहाँ पे इन्होंने जो है ना ड्राइंग रूम ओपन रखा है, आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं, ओपन बहुत खूबसूरत लग रहा है। और टीवी लाउंज में यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में जो है ना ये चेंजिंग की गई है कि ये जो है अलमा जो टीवी का सेक्शन जो इन्होंने LCD का लगाया हुआ है उस वॉशरूम में, नीचे वाले में यहाँ पर है ड्राइंग रूम टीवी लाउंज में, और यहाँ पर जो है ना इस साइड पर है बिल्कुल सामने है। और यहाँ पे भी जो है ना सेम हमारा ओपन किचन है, वही जो भी इंस्टॉल हुआ हुआ है किचन का, जो अलमारियाँ वगैरह है, चूल्हे वगैरह है, वो सेम यहाँ पे लगे हुए हैं। और वॉशरूम हमारा दोनों रूम में अटैच वॉशरूम, और डिज़ाइन वही सेम डिज़ाइन है। यहाँ पे रूम का सीलिंग का डिज़ाइन अलग है, बाकी जो है ना थोड़े बहुत चेंजेस जो सीलिंग की डिज़ाइन में की गई है वो अलग है। यहाँ पर ओपन एरिया है हवा वेंटिलेशन के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको दूसरा रूम दिखाते हैं, तो ये हमारा दूसरा रूम है।
मैक्सिमम इस एरिया में जो मरले का रेट चल रहा है कम से कम 13 से लेके 15 लाख तक पर मरला यहाँ पे ज़मीन का रेट है। यह हमारा दूसरा वाशरूम है, इसमें भी अच्छे जो है ना इसमें काम टाइल वर्क वगैरह अच्छा हुआ हुआ है। इसमें भी जो है ना वाशरूम टॉयलेट वगैरह जो लगाए इन्होंने इंग्लिश लगाए हुए हैं, इसी तरह ये रेक्स रखे हुए हैं। ले चलता हूँ मैं आपको ऊपर छत पे। मालकान इस घर की डिमांड 2,50,00,000 रुपए कर रहे हैं, जो कि इस एरिया के हिसाब से इस लोकेशन के हिसाब से बहुत ही जायज़ डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जो भी यार दोस्त जो भी हमारे व्यूवर जो ख्वाहिशमंद होते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली, बहुत लोग आते हैं घर देखते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जो है ना बहुत महंगे घर लाते हैं। मैं असल में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर घर आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। अगर आप लोगों को लो बजट में घर चाहिए तो आप अगर बरको वाली साइड पर या अपर बनिगाला से थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे रेट कम रेट में भी आपको इतना घर मिल जाता है, मतलब करोड़ के अंदर या एक करोड़ समथिंग के राउंड अबाउट आपको इतना घर वहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन वहाँ की लोकेशन और यहाँ की लोकेशन में फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ से व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा, छत पे भी मार्बल लगाए गए हैं, अच्छा काम हुआ है घर में, बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है। यहाँ से आप व्यू देखें तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ से फैसल मस्जिद तक आपका व्यू बनता है, पूरा इस्लामाबाद यहाँ से आपका व्यू बनता है। अच्छा घर बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है। तो जो भी यार दोस्त ख्वाहिशमंद हो आएँ घर देखे विज़िट करें, चारों तरफ ये आबाद इलाका है। जब ओनर के साथ आपकी मीटिंग कराएंगे तो इंशाल्लाह ये रेट और भी मुनासिब हो जाएगा। तो जो भी यार दोस्त ख्वाहिशमंद हो आएँ विज़िट करें और चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।